हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे सर्विसेज ऑफ इंटरनेट, मतलब इंटरनेट जो डिफरेंट तरह की सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है उसके बारे में आज हम लोग एक एक सर्विस को लेकर डिस्कस करते हैं। नाउ वी राइट सर्विसेज ऑफ इंटरनेट। देखिए, आज की जो डेली लाइफ है वो हम लोगों को मालूम है कि अगर इंटरनेट के बगैर हमको अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी हो तो दैट इज़ इम्पॉसिबल इन प्रेजेंट डे सिनेरियो। तो एक एक करके हम इन सर्विसेज को डिस्कस करते हैं। तो जैसे पहली सर्विस जो आती है, जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करता है, वो है सर्चिंग। दैट इज़ कॉल्ड सर्चिंग। सर्चिंग का मतलब क्या हो गया कि जैसे अगर हमें कोई भी चीज़ सर्च करनी है, ठीक है, कोई सर्चिंग आर बॉटम अप अप्रोच टू फाइंड योर वे अराउंड द वेब, ठीक है, यू गिव ए सर्च ए लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स और फ्रेजेस एंड इन रिटर्न्स टू यू ए लिस्ट ऑफ वेब पेजेस दैट कंटेन दीज वर्ड और फ्रेज। मतलब कोई भी चीज़ अगर हमें सर्च करनी है, सपोज कीजिए हमने कहा कि से हमें अगर कोई हॉस्पिटल सर्च करना है मुंबई में, ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम उसके कुछ कीवर्ड्स जैसे हमने उसमें टाइप कर दिया अपने वेब ब्राउजर में, सर्च इंजन में हमने उसमें लिख दिया हॉस्पिटल्स इन मुंबई, ठीक है, और इसको करके जब हम एंटर कर देते हैं तो हमारे पास वो सारे वेब पेज की डिटेल आ जाती है जो हॉस्पिटल्स मुंबई में होते हैं, ठीक। तो सबसे जो एडवांटेज, सबसे बड़ी फैसिलिटी जो है इंटरनेट की प्रोवाइड की हुई, वो ये है कि सर्चिंग, कोई भी चीज़ अगर हमें कोई भी ए टू जेड एनीथिंग कुछ भी अगर हमको सर्च करना हो तो हम नेट पे जाके उसको सर्च कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद सेकेंड सर्विस पे हम आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, अच्छा, इस सर, सर सर्चिंग को हम परफॉर्म कैसे करते हैं आपको मालूम है, विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन। आप अपना वहाँ पे सर्च बार में अपना ये कीवर्ड्स टाइप करते हैं, एंटर करते हैं, तो उस कीवर्ड से रिलेटेड जितनी भी आपके वेब पेजेस हैं, साइट्स हैं, वो सारी डिटेल जो है आपके पास सेकेंड्स, फ्यू माइक्रो सेकेंड्स में ही वो सब आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगता है, ठीक। तो पहली सर्विस तो हो गई है आपकी सर्विस सर्चिंग। दूसरी जो सबसे बड़ी फैसिलिटी इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो है मेलिंग की, ठीक है। मेलिंग में भी ईमेल आज के समय में हम सब लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रूव्स टू बी द बिगेस्ट एसेट इन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इंस्टेंटली फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ईमेल से क्या फ़ायदा होता है कि हम एकदम इंस्टेंटली, तुरंत ही, अगर यहाँ पे हम बैठे हैं और यहाँ से बैठ के हमें अपने किसी फ्रेंड को या किसी ऑफिशियल कुलीग को या कोई भी लेटर अगर हमको भेजना है, सपोज कीजिए लंदन में भी, तो तुरंत हम उसको मेल पे करके और भेज देते हैं और इंस्टेंटली उसको डिलीवर हो जाता है, ठीक। तो इसको सिंपली हम कह सकते हैं कि मेलिंग जो है ये भी एक फैसिलिटी है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करती है, क्लियर। और ईमेल के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इट इज़ अ वेरी इकोनॉमिक मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये सबसे बड़ा फायदा है मेल का, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो हो गया ईमेल सर्विस। तीसरी जो सर्विस हमको प्रोवाइड करता है इंटरनेट, वो तीसरी सर्विस है हमारी जो है चैटिंग। चैटिंग चैटिंग में क्या होता है कि चैटिंग इज एन ऑनलाइन कन्वर्सेशन इन विच वन कैन इंस्टेंटली सेंड मैसेजेस बैक एंड फोर्थ टू अनदर। चैटिंग मतलब, अब मान लीजिए आपको, आप यहाँ पे बैठे हैं अपने कंप्यूटर पे, ठीक है, और कोई आपका फ्रेंड जो है सपोज कीजिए कहीं पेरिस में या फ्रांस में, कहीं भी या किसी और सिटी में बैठा हुआ है, और अगर आप दोनों लोगों को आपस में बातें करनी है, ठीक है, तो आप जो है इंटरनेट के थ्रू एक दूसरे से चैटिंग कर सकते हैं, ठीक है, और दैट इज़ रियल टाइम चैटिंग, मतलब उसमें कोई डिले नहीं होता है। तो ऑनलाइन कन्वर्सेशन करने के लिए ये एक बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की है इंटरनेट इंटरनेट ने, एंड दैट इज़ कॉल्ड चैटिंग। अब चैटिंग करने के लिए आप चाहे इंस्टेंट मैसेंजर यूज़ कर सकते हैं, कई मैसेंजर है, याहू है, ये है, वो है, कई तरह के मैसेंजर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप कोई चैट रूम, अगर मान लीजिए आप जैसे 7-8 लोग, 10 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 50 लोग आपस में बातचीत करना चाहते हैं, तो कोई चैट रूम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ चैट रूम के अलावा आप कोई चैट वेबसाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे और नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे। तो इन तीनों माध्यमों के थ्रू आप लोग आपस में बातचीत ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका
तीसरी फैसिलिटी। चौथी फैसिलिटी जो है वो क्या है, ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग क्या होता है, देखिए ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग सिंपली द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग ए ब्लॉग और ए वेबसाइट इज कॉल्ड ब्लॉगिंग। द पर्सन हु राइट्स ए ब्लॉग इज ए ब्लॉगर। ब्लॉगिंग कैन बी एन इंटरेक्टिव एक्टिविटी। रीडर्स कैन ऐड कमेंट्स टू ए ब्लॉगर्स पोस्टिंग एंड अदर कैन रिस्पॉन्ड ए कन्वर्सेशन इंस्यूज। देखिए ब्लॉगिंग क्या होता है, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग आप ये समझ लीजिए कि जैसे आपने एक अपना ब्लॉग बनाया है। ब्लॉग मतलब आपके पास, आपने इंटरनेट पे अपना कोई एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसपे आपको लगता है कि जिस फील्ड में आप अच्छी नॉलेज रखते हैं, जिस फील्ड में आपका स्पेशलाइजेशन है, या कुछ नॉलेज आपके पास ऐसी है जो आप औरों से शेयर करके उनको उनको फ़ायदा कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप एक ब्लॉग क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब ब्लॉग क्रिएशन प्रोसेस और ये सारी चीज़ें आगे कभी जब आएगा तो हम आपको बता देंगे। तो ब्लॉग क्रिएट करते हैं, उस पर आप चाहे अपना डेली, चाहे दिन में 3 बार, चाहे हफ्ते में 1 बार, मतलब उस पर आप जो कुछ भी लिखना चाहें, ठीक है, वो आप ब्लॉग पे अपने लिख सकते हैं। और इसको आप इंटरेक्टिव भी बना सकते हैं, इसको आप टू वे कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि जो आपके रीडर हैं, जो आपका ब्लॉग पढ़ते हैं, वो आपसे अगर कोई बातचीत करना चाहें, आपको कोई सी रिक्वेस्ट, सजेशन, कुछ भी, तो मतलब इफ़ यू वांट टू मेक इट इंटरेक्टिव, तो कमेंट के थ्रू वो रीडर आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो ब्लॉगिंग का मतलब यही होता है कि आपने एक प्लेटफॉर्म बनाया इंटरनेट पे, आपने एक अपनी साइट बनाई, अपना एक पेज बनाया, अपना एक ब्लॉग बनाया, और उस पे आप किसी पर्टिकुलर या जिस भी फील्ड के बारे में आप चाहें, आप जो है उस पे अपने विचार, अपने थॉट्स, अपने ज्ञान उस पे आप लिख सकते हैं, उस पे आप रख सकते हैं, उनके डिपेंडिंग अपॉन दियर कम्युनिटी गाइडलाइंस। उसमें जो उनके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। कोई लीगल कंटेंट नहीं, कोई जो है रफ लैंग्वेज नहीं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन रहती हैं कि भाई ऐसा आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक। तो ये चौथी फैसिलिटी हो गई ब्लॉगिंग की, ठीक। तो पहला हो गया आपका सर्चिंग, मेलिंग, चैटिंग, और फोर्थ हो गया आपका ब्लॉगिंग। इसके अलावा और जो नेक्स्ट फैसिलिटी है, जो इंटरनेट नेक्स्ट सर्विस जो इंटरनेट हमको प्रोवाइड करता है, वो है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है। से फिफ्थ हमने लिखा क्या, सोशल नेटवर्किंग। जैसे पुराने ज़माने में आदमी समाज में बैठता था, ठीक है, अपना चौपाल में, ड्राइंग रूम में, या शाम के टाइम लोग एक जगह इकट्ठे होकर बातचीत करते थे, तो वही चीज़ आज के समय में इंटरनेट के थ्रू, आप सोशल नेटवर्किंग के थ्रू भी आप अपनी कम्युनिटी, अपने सेम इंटरेस्ट के लोगों का ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो सोशल नेटवर्किंग आप एक तरह से कह सकते हैं कि सोशल नेटवर्किंग इज पॉसिबल इन पर्सन, स्पेशली इन द वर्क प्लेस, यूनिवर्सिटीज एंड हाई स्कूल्स, एंड इज मोस्ट पॉपुलर ऑनलाइन। दिस इज बिकॉज अनलाइक मोस्ट हाई स्कूल्स, कॉलेज और वर्क प्लेस, द इंटरनेट इज फिल्ड विद मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर लुकिंग टू मीट अदर पीपुल टूगेदर एंड शेयर फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस अबाउट एनी एरिया। मीन्स इट मे बी कुकिंग, गोल्फिंग, गार्डनिंग, डेवलपिंग फ्रेंडशिप, प्रोफेशनल अलाइंसेस, फाइंडिंग एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस टू बिजनेस मार्केटिंग, एनी एरिया। तो सोशल नेटवर्किंग से फ़ायदा ये होता है कि इंटरनेट के थ्रू आप अपने से विचार रखने वाले, या जैसे लोगों को आप चाहते हैं वैसे लोगों के साथ आप जुड़ सकते हैं, उनको अपनी कम्युनिटी में जोड़ सकते हैं, और फिर डेली बेसिस पे आप उनसे कन्वर्सेशन, अपना बातचीत कर सकते हैं, ठीक। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया सोशल नेटवर्किंग का। उसके बाद बात आती है न्यूज़ ग्रुप की, ठीक है। जैसे हमने कहा, मान लीजिए जैसे एक यूज़नेट न्यूज़ ग्रुप, ये क्या होता है यूज़नेट न्यूज़ ग्रुप। ए यूज़नेट न्यूज़ ग्रुप इज ए रिपोजिटरी यूजली विद इन द यूज़नेट सिस्टम फॉर मैसेजेस पोस्टेड फ्रॉम मेनी यूजर्स इन डिफरेंट लोकेशन। द टर्म मे बी कंफ्यूजिंग टू सम बिकॉज इट इज यूजली अ डिस्कशन ग्रुप।
न्यूज़ ग्रुप्स आर टेक्निकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम बट फंक्शनलिटी सिमिलर टू डिस्कशन फोरम ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. न्यूज़ रीडर सॉफ्टवेयर इज यूज टू रीड न्यूज़ ग्रुप. तो ये जो यूजनेट का जो न्यूज़ ग्रुप है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन रहती है जिनको आप रीड कर सकते हैं. इसके लिए आपको न्यूज़ रीडर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. न्यूज़ रीडर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है. तो ये हो गया आपका यूजनेट ग्रुप. उसके बाद केवल यही नहीं, उसके बाद आपके पास आपको इंटरनेट के थ्रू ऑनलाइन न्यूज़पेपर भी अवेलेबल हैं. जो न्यूज़पेपर हम लोग हार्ड कॉपी में अभी तक पढ़ते आए थे या पढ़ते आ रहे थे कुछ सालों तक, अगर आप उसको जो है ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. उसमें अब एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, मोस्ट ऑफ द रेपूटेड न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सारे 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 न्यूज़पेपर ऑलमोस्ट आज के समय में जो भी अच्छे न्यूज़पेपर हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं. उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका एजुकेशन के लिए. एजुकेशन के लिए भी डिफरेंट तरह की सर्विसेज इंटरनेट प्रोवाइड करता है. आपके रिसर्च, कई नेशनल रिप्यूट के रिसर्च पेपर, ऑनलाइन जर्नल्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल है इंटरनेट पे. और केवल इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, अब आज के समय में या यू कैन से आफ्टर कोविड पीरियड, ऑनलाइन एजुकेशन तो आज के समय में एकदम एसेंशियल सर्विस बन चुकी है हर तरह के लोगों के लिए. ऑनलाइन एजुकेशन इज ऑल्सो इज ए फैसिलिटी, इज ए सर्विस प्रोवाइडेड बाई द इंटरनेट. और उसके बाद जो नेक्स्ट सर्विस आती है वो आती है आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. इसमें आपको मालूम है जैसे जूम के थ्रू या और सॉफ्टवेयर्स के थ्रू आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, वेबिनार्स कर सकते हैं, वीडियो सेमिनार्स कर सकते हैं. अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए ही आप इंटरनेट के माध्यम से जुड़ के अपना सेमिनार, प्रेजेंटेशन जो भी है वो आप कंडक्ट कर सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है आपका डाउनलोडिंग फैसिलिटी. डाउनलोडिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कोई रिसर्च पेपर चाहिए, कोई ई बुक चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई मटेरियल चाहिए आपको, तो वो इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर वो पेड बेसिस पे है तो जो भी उनका फीस है, जो भी पेमेंट है उसको करके भी, अब पेमेंट के लिए भी आपको कहीं जाना नहीं है, ऑनलाइन मोड ऑफ पेमेंट इज एक्सेप्टेड एवरीवेयर. तो आप बैठे बैठे अपने सिस्टम पे ही, आप अगर फीस पे करनी है तो फीस पे करके भी वो मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक. और केवल डाउनलोडिंग ही नहीं, इसी के साथ साथ अपलोडिंग की भी फैसिलिटी होती है आपके पास. अपलोडिंग, अपलोडिंग में क्या है कि मान लीजिए जैसे आपके पास से इफ आई हैव अ पर्सनल कंप्यूटर टू लॉग ऑन टू नेटवर्क एंड वांट टू सेंड फाइल्स अक्रॉस द नेटवर्क, वी मस्ट अपलोड द फाइल्स फ्रॉम आवर पीसी टू द नेटवर्क. मतलब क्या हुआ, अपलोड से फाइल है, ठीक है, मान लीजिए कोई आपके पास फाइल है और उसको आपको अपने किसी दूसरे फ्रेंड को भेजना है, ठीक है, जो किसी दूसरे डिस्टेंट प्लेस पे बैठा हुआ है. तो मान लीजिए अगर फाइल की साइज छोटी है, से वो अगर कुछ MB की फाइल है, तो आप क्या करेंगे, आप उसको ईमेल के साथ अटैच करके डायरेक्टली भेज सकते हैं. लेकिन अगर फाइल, मान लीजिए आपकी फाइल की साइज बड़ी है, चाहे फाइल में आपका वीडियो है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट्स हैं, इमेजेस है, जो भी है, अगर से फाइल की साइज बड़ी है, मान लीजिए हमने कहा से सपोज कीजिए 1 GB की फाइल है, तो आप क्या करेंगे, आप उस फाइल को पहले अपने कंप्यूटर से अपने गूगल ड्राइव पे, आप ड्राइव पे अपलोड कर देते हैं, ठीक है, और फिर उसका लिंक आप डायरेक्टली अपने फ्रेंड को मेल कर सकते हैं. उसका लिंक आप मेल कर देंगे और इस फोल्डर को, ठीक है, इस फोल्डर को आप क्या करेंगे, शेयर कर देंगे. तो ये जो आपका फ्रेंड है, ये यहाँ से उस फोल्डर को एक्सेस करके ड्राइव से, आपकी ड्राइव से वो फाइल डाउनलोड कर सकता है, ठीक है. तो ये अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की फैसिलिटी, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की जो फैसिलिटी इंटरनेट ने दी हुई है, उससे हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. तो आई होप कि जितनी भी सर्विसेज हमने आपको इंटरनेट की बताई हैं, ये आपको क्लियर हो गई होंगी, और इसमें से मैक्सिमम तो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी कर रहे होंगे. इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, या कुछ आप पूछना चाहते हैं, या कोई सर्विस अगर रह गई है उसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं,
प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर भी डिटेल डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो डाली जाए उसकी इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू।